हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एचजी वेल्स। आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस राइटर एचजी वेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एचजी वेल्स को फुल नेम है हर्बर्ट जॉर्ज, इन्हें हर्बर्ट जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। एंड आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, UPTET, TGT, PGT सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का राइटर एचजी वेल्स। एचजी वेल्स की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ 21 सितंबर 1866 में एंड इनकी डेथ हुई 13 अगस्त 1946 में। इनका बर्थ हुआ 21 सितंबर 1866 में एंड इनकी डेथ हुई 13 अगस्त 1946 में। एंड एच जी वेल्स वॉज एन इंग्लिश राइटर। ही वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड एट ब्रॉमले इन कैंट। वो क्या थे, एक इंग्लिश राइटर थे एंड उनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई थी, ब्रॉमले इन कैंट। एंड हिज फादर वॉज अनसक्सेसफुल शॉपकीपर एंड प्रोफेशनल क्रिकेटर इन 1884 में। उनके जो फादर थे वो क्या थे, एक अनसक्सेसफुल शॉपकीपर थे एंड प्रोफेशनल क्रिकेटर थे 1884 में। एंड वेल्स इंटर्ड द नॉर्मल स्कूल ऑफ साइंस साउथ कैंगस्टन वेयर ही स्पेंड 3 ईयर्स एंड गेन्ड मच ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज ली, अपने 3 साल वहाँ पर टाइम स्पेंड किया स्कूल ऑफ साइंस में। एंड वेल्स वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड थिंकर हु प्रोड्यूस नॉवल, पैम्फलेट्स, हिस्टोरीज, स्टोरीज एंड रोमांसेस विद अनसीजिंग रेगुलरिटी। वो क्या क्या लिखते थे, एंड वो एक प्रोलिफिक राइटर थे, थिंकर थे एंड प्रोड्यूस करते थे नॉवल, पैम्फलेट्स, हिस्ट्रीज, स्टोरीज एंड रोमांसेस विद अनसीजिंग रेगुलरिटी। एंड एच जी वेल्स इज नोन बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज साइंस फिक्शन नॉवल्स सच एज द टाइम मशीन, द फर्स्ट मैन इन द मून, द फूड ऑफ द गॉड्स, द आइसलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियो, द इनविजिबल मैन एंड द वार ऑफ द वर्ल्ड। एंड डील विद साइंटिफिक सब्जेक्ट इन एन इमेजिनेटिव वे। जो एच जी वेल्स थे वो सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते हैं, वो साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, वो साइंस फिक्शन में ही लिखते थे। एंड उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं साइंस फिक्शन में, द टाइम मशीन, द फर्स्ट मैन इन द मून एंड द फूड ऑफ द गॉड्स, द आइसलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियो, द इनविजिबल मैन एंड द वार ऑफ द वर्ल्ड। ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं जिनके लिए उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 4 times। उनको 4 times लिटरेचर में नॉमिनेट किया गया है। And his later works become increasingly political and didactic and he wrote little science fiction। उनको 4 times नॉमिनेट किया गया बट उनको कोई भी प्राइज नहीं मिला। उन्हें शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। एंड इनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। एंड एच जी वेल्स के कुछ फेमस वर्क हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द टाइम मशीन उनका फेमस वर्क एंड साइंस फिक्शन, 1895 में इसको पब्लिश कराया गया एंड ये इनका पॉपुलर वर्क है। एंड इसके हीरो थे द टाइम ट्रैवलर, द टाइम ट्रैवलर इसके हीरो थे एंड साइंटिस्ट थे सरे, जो रहते कहाँ पे हैं, रिचमोंड में रहते हैं एंड ट्रैवल करते हैं AD 1802 से 1701 में। एंड वो वहाँ पे मिलते हैं किससे, एलॉय से एंड मोरलॉक से, एलॉय एंड मोरलॉक से वो वहाँ पे मिलते हैं। कौन मिलते हैं, डॉक्टर सोरे। एंड नेक्स्ट है द वार ऑफ द वर्ल्ड, द वार ऑफ द वर्ल्ड इनका फेमस वर्क है ये भी एंड 1898 में इसको पब्लिश कराया गया था। एंड ये क्या है, एक साइंस फिक्शन है। द वार ऑफ द वर्ल्ड में वार दिखाई गई है अर्थ एंड मार्स के बीच में, अर्थ एंड मार्स के बीच में क्या दिखाया गया है, इसमें वार को दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका द आइसलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियो, ये 1896 में पब्लिश कराया गया है इसे। एंड नेक्स्ट है द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन वर्क इनका 1897 में पब्लिश हुआ, ये एक हॉरर एंड साइंस फिक्शन वर्क है। एंड नेक्स्ट वर्क आता है इनका द फर्स्ट मैन इन द मून, द फर्स्ट मैन इन द मून वर्क इनका 1901 में पब्लिश हुआ एंड इसमें साइंटिस्ट है मिस्टर कैबॉस एंड एक बिजनेसमैन है मिस्टर
बेडफोर्ड। क्या है, साइंटिस्ट है मिस्टर कैवोस एंड बिजनेस मैन है मिस्टर बेडफोर्ड। आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, द फर्स्ट मैन इन द मून में मिस्टर कैवोस कौन है, साइंटिस्ट है या साइंटिस्ट का नाम बताइए, एंड बिजनेस मैन कौन है, मिस्टर बेडफोर्ड। इसमें क्या होता है, ये डिस्कवर करते हैं मून इज़ इनहेबिटेड बाय इंसेक्ट लाइक क्रिएचर्स, उसको क्या करते हैं डिस्कवर करते हैं एंड उसको क्या नेम देते हैं, सेलेनाइट्स, उसको क्या नेम देते हैं सेलेनाइट्स। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ये एक रियलिस्टिक एंड मोस्ट पॉपुलर वर्क है। टोनोबंगी इन्होंने पब्लिश कराया 1909 में एंड ये एक रियलिस्टिक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। एंड अ मॉडर्न यूटोपिया, ये क्या है, इस नावल इज कॉल्ड नॉट सो मच एज मॉडर्न एज अ पोस्ट मॉडर्न यूटोपिया, एंड इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं द मैनर ऑफ द वॉइस एंड बॉटनिस्ट, ये टू कैरेक्टर्स हैं इसमें अ मॉडर्न ऑफ यूटोपिया में। एंड ये क्या है, द दे हैव डबल इन यूटोपिया, इट मीन्स डबल रोल है इनका यूटोपिया में। एंड इनको इनका जो पता लगाया जाता है किस तरह से लगाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू पता चलता है, इनको ढूंढने लगते हैं। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका किप्स एंड द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली, ये एक फिक्शन बेस्ड वर्क है एंड डिस्क्राइब, इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, लोअर मिडल क्लास फैमिली को या लाइफ को डिस्कस किया गया है इसमें। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका एन एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी 1934 में पब्लिश हुआ एंड द कंटेम्प्री नावल 1911 में पब्लिश हुआ एंड द फूड ऑफ द गॉड्स 1904 में पब्लिश हुआ। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।